मुरादाबाद यूपी। पहली बार आए सूरज कुंड मेले में? नहीं, आ गया मुझे काफ़ी टाइम हो गया। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ? तो मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ, बस तो पहले दिल्ली हाट पहले जाता हूँ। हाँ, क्या सामान लेके आए मेले में इस बार आप? ये सब विराज हैंडीक्राफ्ट, विराज पीतल पर नक्काशी। तो कितने समय से नक्काशी में आप काम कर रहे हैं, या फिर कितनी पीढ़ी आपकी काम कर चुकी है इस नक्काशी के लिए अभी तक? भाई हमारे पिताजी करते थे, उसके बाद हम करते हैं, पुश्तैनी काम है आपका। हाँ, तो अगर अवार्ड की बात करें तो कौन कौन से अवार्ड आपको इस कला के लिए मिल चुके हैं अब तक? देखिए स्थानीय हिसाब से जी तो बहुत अवार्ड मिल गए जी, सिटी में मंडली हिसाब से, मगर 1993 में स्टेट अवार्ड यूपी का, और फिर 2006 में नेशनल अवार्ड, और 2010 में गोल्ड मेडल, और फिर राष्ट्रीय अवार्ड 2010 में। शिल्प गुरु का अवार्ड कब मिला आपको? शिल्प गुरु 2010 में। तो ऐसे क्या जॉब बनाए थे आपने जिसके लिए आपको अवार्ड मिला था? ये जो पीतल पर नक्काशी हो रही है, देखा आपने ये? जी, ये अलग अलग नक्काशी है, ये पीतल नक्काशी करते हैं हम, ये अलग हैंडवर्क है, ये जाल वर्क कहलाता है मुगल आर्ट, ये सुपर फाइन वर्क है। इसके अलावा देखिए ये चिकन वर्क है, ये अलग वर्क है, एक ये रखा है जी जो पत्थर पर काम होता है आगरे में जी, वो भी हमने इसे बनाया है। तो ये जो काम आपने किया हुआ है, भले बड़ी बारीकी से काम किया हुआ कि मशीन से होता है, पर नहीं, हाथ से होता है, हाथ बारीक बारीक छेनी होती हैं जी, हाथ से होता है। तो एक जॉब को तैयार करने में लगभग कितना वक्त लगता है? जैसा आइटम होता है, जैसे ये बोतल है जी, इसमें 3 दिन लगते हैं बनाने में, और घड़ा रखा हुआ उसमें 2 दिन लगे बनाने में, जैसा आइटम होता है वैसे बनता। तो जिस जो आप नक्काशी लेके आए हैं सूरजपुर मेले में, सबसे महंगा आइटम कौन सा है आपका, जिस पर आपने बहुत काम किया, जिसकी कीमत इतनी है आपकी? नहीं, महंगा आइटम नहीं लाया, महंगा आइटम तो ऐसा समझ लो मेरा CCI में रखी हुई है जी, 18 इंच का जार रखा हुआ है मेरा जी, वो करीब 75,000 रुपये का है जी। एक प्लेट रखी है जिसे मैंने 8 महीने में बनाया था जी, वो जिस पर मुझे अवार्ड मिला था वो वहीं पर रखी हुई है, CCI एम्पोरियम में कनाट पैलेस पर जी। इसकी कीमत 80,000 रुपये है, मार दी मैंने। यहाँ पर जो सामान लेके आए हैं, इसमें सबसे महंगा क्या है, सबसे सस्ता, मतलब कितने से लेके कितनी रेंज तक का आपका सामान है यहाँ पर? यहाँ पर 200-250 रुपये से लेकर के और 5-6,000 रुपये तक का आइटम मेरे पास है यहाँ पर। तो आज 5 दिन हो चुके हैं सूरजकुंड मेले में, 5वां दिन है, कैसा रहा अब तक का 5 दिन का मेला? नहीं, मेला अच्छा ही चल रहा है, मेला बिल्कुल होने पर, पहले हम आते थे तो बहुत भीड़ आती थी और हाथ दुखता नहीं था जी, यहाँ तो सुबह से ऐसे बैठे हुए हैं बस। तो मतलब मेला दर्शक नहीं पहुँच पा रहे मेले तक? नहीं, पब्लिक आई नहीं रही, पब्लिक नहीं आ रही है। तो उम्मीद है अभी तो 10 दिन बाकी है मेले। हाँ, मेले उम्मीद है अभी मेले में। नहीं नहीं, ये मेटल पे इन्होंने काम किया हुआ, कैसा काम लगा? बहुत अच्छा। ये जॉब्स क्या बाजारों में मिलते हैं? अभी हमने इतना देखा नहीं कहीं, फरीदाबाद का बाजार देखा हो तो बाजार में कहीं ऐसे सामान मिलते हैं इसने एक कलाकृति वाले? हाँ, मिलते तो है, मिलते पर मेले में जरा थोड़ा ये है कि सूरज कुंड मेले से नहीं मिलता है सर, डिफरेंट। कैसा है काम? बहुत कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली से आई हूँ, पीतमपुरा से। सूरज कुंड पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ, 3rd time आई हूँ। ग्रास के मेडल पर बहुत अच्छी कारीगरी की हुई है कलाकार, बहुत सुंदर है, डिफरेंट लगा बिल्कुल, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी ले गई थी ऐसा ही, और अभी भी मैंने लिया है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। क्या खरीदा है? मैंने एक कटोरी खरीदी है सुंदर सी भगवान जी के लिए, और एक ये घंटी खरीदी है, बहुत सुंदर है। जो दिल्ली बहुत बहुत बड़ा बाजार भी है, क्या दिल्ली में ये कला? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं मिलता, इट्स डिफरेंट, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं मिलता, मिलता है सब कुछ दिल्ली में, बट इसकी अलग बात है। Yeah.